नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज दुनिया भर में कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया ठप हो गई। आप सभी ने सुना होगा, देखा होगा, अब तक आपके पास में ये रिपोर्ट आई होगी कि आज दुनिया भर के कंप्यूटर जो है वो ठप हो गए। कंप्यूटर जगत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम पर आज एक ऐसा एरर आया। उस एरर के चलते दुनिया भर की 1400 से ज्यादा फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा। बैंकिंग व्यवस्था हो और भी दूसरे सेक्टर, उनके कामकाज पर काफी असर पड़ा। दरअसल ये जो एरर पूरा आया उसके पीछे वजह था एक एंटीवायरस कंपनी, अमेरिकन एंटीवायरस कंपनी जो है, जिस कंपनी का नाम क्राउड स्ट्राइक कंपनी है। इसने एक नई अपडेट रिलीज की थी, और उस नई अपडेट के रिलीज किए जाने के बाद जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग विंडोज ऑपरेटिंग जो जो कंप्यूटर थे उनमें अचानक एक ब्लू स्क्रीन आने लगी, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिस स्क्रीन पर इस तरह से लिखा हुआ आ रहा था, Your PC run into a problem and need to restart. We were just collecting some error info and then we will start for you. इस तरह से लिखाने लगा और कंप्यूटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट होने लगे। हम सभी जानते हैं कि आज का जमाना पूरा तकनीकी का है, औद्योगिकी का है, और इस जमाने में हर एक काम किसी भी सेक्टर का हो, छोटे से बड़ा काम कंप्यूटर के द्वारा होता है, और कंप्यूटर पर सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट है। उसके अलावा लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड भी है, लेकिन दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट का विंडो वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और ये जो गड़बड़ी आई वो माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग वाले कंप्यूटर में आई। इस वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। करीब करीब 14-15 घंटे तक ये हालात इस तरह से हो गए कि बेकाबू हो गए। इस पूरे प्रकरण में, जैसा मैंने पहले बताया कि खासकर फ्लाइट्स, विमानन सर्विस है, उस पर काफी असर पड़ा। 1400 से अधिक फ्लाइट देश दुनिया के कैंसिल कर दिए गए। साथ ही साथ फ्लाइट का चेक इन जो सिस्टम है पूरा ऑनलाइन होता है, तो चेक इन नहीं हो रहा था, तो कई जगह फ्लाइट को रन करने के लिए सालों बाद पहली बार हाथों से बोर्डिंग पास बनाए गए। जो कंप्यूटराइज्ड बोर्डिंग पास होते हैं उन पर हाथों से मैनुअल लिखा गया, और इस तरह से काफी बड़ी एक समस्या आज पेश आई। आप में से कई लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन सन 2000 में, जब 1999 से 2000 में हम प्रवेश कर रहे थे, तब वैज्ञानिक काफी डरे हुए थे कि जब 19वीं सदी खत्म होगी, 1900 से 2000 आएगा, तो क्या कंप्यूटर के ऊपर कुछ इफेक्ट आएगा। ये सोचकर दुनिया भर के वैज्ञानिक काफी चिंतित थे। लेकिन उस समय 1 जनवरी 2000 को ऐसा कुछ हुआ नहीं, और उसके बाद में कंप्यूटर के तब के वैज्ञानिकों ने राहत की सांस ली। लेकिन आज जिस तरह से ये एंटीवायरस कंपनी, जिन्होंने अपनी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अपडेट जारी की थी, उस अपडेट के चलते आज जो समस्या आई, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरा का पूरा विश्व पटल जो है वो सख्ते में आ गया। अब एक तरफ जहां इस तरह से कामकाज बंद होने की वजह से लोग परेशानी में थे, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे इसी चीज का अलग असर देखने को मिला। खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों ने अलग अलग तरह के मीम बनाकर मीम पोस्ट किए, और एक्स यूजर आज कई लोग एक्स पर ये पूरा का पूरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो फेलियर था वो पूरा ट्रेंड कर रहा था। दिन भर में कई अलग अलग मीम्स बन रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर है बिल गेट्स, उनका भी एक ऐसा तस्वीर लोगों ने मीम बनाकर शेयर किया, और कई ऐसी चीजें शेयर की जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं, हालांकि ये मीम बनाया जाना लोगों की अपनी भावनाएं हैं, और कुछ लोग तंज के हिसाब से करते हैं, कुछ लोग मूड हल्का करने के हिसाब से करते हैं, लेकिन मीम्स बनाना अपनी जगह है। लेकिन आज वास्तव में कंप्यूटर जगत के इस तरह से
रिस्टार्ट मोड में चले जाने के बाद दुनिया भर के लोगों ने एक बड़ी समस्या का मुकाबला किया। हालांकि शाम होते होते ये समस्या खत्म हुई है और अब फिर से जो सर्विसेज है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो एक बड़ी अपडेट आज ऐसी सामने आई है और इस चीज ने अब वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिस तरह से हमारा कंप्यूटर के ऊपर आज के समय में पूरा दारोमदार है, जिस तरह से हमारी जिंदगी के लिए कंप्यूटर एक अहम हिस्सा जिंदगी का बन चुका है, उसके बाद अगर किस कभी इस तरह की वापस नौबत आती है तो उस समय इंसान के पास क्या रह जाएगा। आज के इस आउटेज में लोगों को एक डर यह भी था कि उनका जो डेटा है वो लॉस न हो जाए। अगर डेटा लॉस हो जाता था तो काफी कुछ इस दुनिया से मिट जाता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और फिलहाल ऐसी सुनने में आ रहा है कि सर्विसेज शुरू हो चुकी। तो आप ये खबर देख रहे थे, खबर किस तरह खबर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद कीजिए। धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।